आजकल पिज्जा खाना कूल माना जाता है। गरीब और मजदूर लोगों को लगता है कि भाई ये तो अमीरों का खाना है, लग्जरियस लाइफस्टाइल का हिस्सा है। चलो यहां तक फिर भी ठीक है, लेकिन आपको शौक लगेगा जान के इसकी शुरुआत अमीरों के लिए नहीं हुई थी। इटली के शहर नेपल्स में 18वीं शताब्दी के अंदर पिज्जा की शुरुआत हुई थी। यहाँ के आसपास जो ग्रामीण इलाके थे वहां से यहाँ पर लोग रोजी रोटी कमाने के लिए आते थे, किसान मजदूर व्यापारी सब लोग। तो इन लोगों का ऐसा था कि भाई ऐसा कुछ खाना मिल जाए कि सस्ता भी हो और पेट भी भर जाए, इस जरूरत को पूरा करने के लिए पिज्जा का जन्म हुआ। पिज्जा इतना टेस्टी नहीं हुआ करता था, रोड पे रेडी पे मिल जाता था। बड़ी सी ब्रेड के ऊपर सस्ती सब्जियां और मीट के कुछ टुकड़े रख के लोगों को दे दिया जाता था। फिर धीरे 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 करके इसमें सब कुछ इंप्रूव होता गया, लोग चीज़ ऐड करते गए, चीज़ मतलब चीज़ें नहीं, अलग अलग चीज़ें ऐड करते गए। ये टेस्टी भी हुआ, महंगा भी हुआ, फैंसी भी हुआ, खूबसूरत भी हुआ, लेकिन ये इतना महंगा हो गया कि जिसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी उन्हीं लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। तो ऐसा है इतिहास बेवफा पिज्जा का, जिसने पैसे आते ही साइड बदल लिया।